हेलो गाइस, स्वागत है आपका कविता के किचन में। आज हम बनाएंगे दलिया लापसी, यानी कि इसको फाड़ा लापसी भी बोलते हैं। आज हम उनको कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी से हो जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है। तो उसके लिए हमें लगेगा 1 कप चीनी, 1 कप दलिया। हम जितना कप दलिया रहेंगे उतना ही सेम मेजरमेंट में हम शुगर रहेंगे, यानी कि शुगर। और हम मसाले के लिए मैंने लिया है इलायची, दालचीनी, और ये बाकी दो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। पर इन मसालों को डालने के लिए स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब हम एक कुकर में गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, कुकर रख देंगे, और मैं इधर 3 बड़े चम्मच घी के डाल रही हूँ। अगर आप कम घी खाना चाहते हो तो आप कम भी डाल सकते हो। अब मेरा इधर घी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं डालूंगी 1 कप दलिया जो हमने पहले लिया था। अब मैं गैस की फ्लेम स्लो कर रही हूँ और हम अपना पानी का मेजरमेंट कर लेंगे। अब पानी के मेजरमेंट के लिए हमने जो कप से दलिया लिया था वही कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो मैं इनमें 1 कप पानी लिया है, मैं और 1 कप पानी डाल रही हूँ, और मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। यानी कि मैंने 1 कप दलिया लिया था तो मैंने 2 कप पानी और 1 कप दूध डाला है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हो तो आप 3 कप पानी डाल सकते हो। अब दलिया को हमें धीमी आंच पर ही कंटिन्यूसली हिलाना है। अब मैं गैस की आंच बढ़ा रही हूँ और मैं फास्ट गैस पर ही इसको सेक रही हूँ। हमें जब तक इसका कलर चेंज ना हो तब तक दलिया को हिलाना है। अब देख लीजिए, दलिया का जो कलर है वो थोड़ा वाइटिश हो गया है, थोड़ा वाइट कलर जैसा हो गया है। अब हम इनमें डालेंगे हमारा 1 कप शुगर चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट, आप अपना मन पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, और हमारे खड़े मसाले, और फिर से हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब हम डालेंगे हमारा पानी और तैयार किया हुआ पानी और दूध। मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और हमें एक फुल गैस पे 1 सीटी और स्लो गैस पे 2 सीटी मारनी है। अब मेरी 1 सीटी बज गई है। अब मैं गैस की आंच धीमी कर रही हूँ, 2 सीटी बज गई है, और अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ। अब हमारे कुकर में से हवा निकल गई है और हमारे दलिया भी अच्छी तरह से पक गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इधर हमारा दलिया रेडी है खाने के लिए। क्योंकि ये मीठा है तो आप उसको एज अ प्रसाद भी रख सकते हो।